हेलो एवरीवन, आई एम प्रिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी है ब्लूबेरी मफिंग्स की। आप देख ही सकते हैं कितने सॉफ्ट बने हैं ये मफिंग्स। फर्स्टली दिस रेसिपी हैज़ नो एग एंड स्टिल हैज़ वेरी नाइस स्ट्रक्चर, एंड सेकेंडली इट इज़ जस्ट मेल्ट इन माउथ। सो प्लीज़ आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना एंड शेयर योर एक्सपीरियंस विद मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। सो सबसे पहले हम यहाँ बटर मिल्क बना के रख लेंगे, जिसके लिए एक कटोरी में ले दूध और दही, दोनों को अच्छे से मिला के रख दें। ध्यान रखें कि दोनों रूम टेम्परेचर पे हो, जिससे इमल्सिफिकेशन बेटर हो सभी इंग्रेडिएंट्स के साथ। अब आप इसे उठा के रख दें साइड में 10 मिनट के लिए। अब 10 मिनट बाद एक बोल में ले सॉफ्ट अनसॉल्टेड बटर, एकदम मेल्टेड या ग्रीसी ना हो, बस सॉफ्ट हो। आप बटर को थोड़ा सा विस्क कर लें और इसमें डालें शुगर। अब शुगर और बटर को साथ में क्रीम करें। स्टार्ट करें कम स्पीड पे और जब शुगर मिक्स हो जाए तब आप थोड़ा स्पीड बढ़ा लें। करीबन 1 से 2 मिनट लगेगा शुगर और बटर को साथ में अच्छे से क्रीम होने के लिए। क्रीमिंग से बटर का कलर थोड़ा लाइट हो जाएगा। अब यहाँ मैंने बटर की जगह ऑयल भी ट्राई किया था, लेकिन बटर से मफिंग्स का टेस्ट बहुत ही अच्छा था। दे वर वेरी रिच इन टेस्ट। ऑयल भी बहुत जगह यूज होता है बेकिंग में, लेकिन ब्लूबेरीज के साथ बटर वॉज कॉम्प्लीमेंटिंग बेटर इंस्टेड ऑफ ऑयल। अब जब ये शुगर और बटर अच्छे से क्रीम हो जाए तब आप उसमें डालें बटर मिल्क जो हमने बना के रखा था। इसको आप वापस से अच्छे से मिक्स कर लें। लो स्पीड रखें वरना सब लिक्विड उड़ के बाहर आ जाएगा। यहाँ आप देख रहे होंगे कि मिक्सचर हमारा थोड़ा कर्डल हो गया है। उसकी वजह यह है बटर और मिल्क का टेम्परेचर डिफरेंट है, डेंसिटी डिफरेंट है, तो वो इसलिए कर्डल हुआ है। आपस में इमल्सिफिकेशन होने के लिए या आपस में मिलने के लिए उनको एक कैरियर इंग्रेडिएंट चाहिए, तो इसमें जब हम मैदा मिलाएंगे ये एकदम ठीक हो जाएगा। अब इसमें डाले सॉल्ट, बेकिंग पाउडर और वनीला एसेंस। सबको मिक्स करें एंड अब डालें मैदा। मैदा को छान के ही डालें। एंड मैदा को भी अच्छे से मिक्स कर लें। अब आप देखिए बैटर में अब कोई भी लम्स नहीं है, बैटर कहीं से भी कर्डल नहीं है। अब ले 1 कप ब्लूबेरीज, उसमें से थोड़ी सी मैं ये हाथ से क्रश करके डाल रही हूँ और बची हुई ब्लूबेरीज को मैं मैदा में कोट करके डाल रही हूँ, जिससे ब्लूबेरीज बॉटम में सिंक ना हो। अब सब ब्लूबेरीज को बैटर में डाल दें और फोल्ड कर दें। यहाँ बैटर मुझे थोड़ा थिक लग रहा है तो मैंने थोड़ा सा मिल्क ऐड किया है। इट इज एब्सोल्युटली ऑप्शनल, बिकॉज कई बार आपका कर्ड थोड़ा लिक्विडी होता है तो उससे भी हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी पे फर्क पड़ेगा। नाउ आवर बैटर इज रेडी। यहाँ मैं मिनी मफिंग्स बना रही हूँ सो दैट आई हैव मोर सर्विंग्स टू फीड माई फैमिली एंड माई लिटिल वन। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड साइज मफिंग्स बनाएंगे तो वन कैन ईजिली मेक अराउंड 12 मफिंग्स। यहाँ ये पाइपिंग बैग की हेल्प से मैंने सारे मफिंग मोल्ड्स भर के रेडी कर लिए हैं। सो गाइज, अगर आपको ये रेसिपी और टिप्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। अब मैं सभी मफिंग्स पे डाल रही हूँ ये ग्रैनुलेटेड शुगर। यहाँ शुगर थोड़ा दाने वाला ही चाहिए, पाउडर्ड शुगर या आइसिंग शुगर ना ले शुगर कोट क्रम के लिए। ये टॉप शुगर लेयर से आपके मफिंग्स का स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। सिर्फ ये 3 मफिंग्स में रोक रही हूँ जिन पे मैंने शुगर नहीं डाला। नाउ लेट्स बेक देम। बेक करें 150 डिग्री सेल्सियस पे अराउंड 12 मिनट्स के लिए और अंटिल दे आर फुली बेक्ड। टाइम कम ज्यादा लग सकता है डिपेंडिंग कि आपके मफिंग का साइज कैसा है। एंड एंड में जब आपके मफिंग्स बेक हो जाएं तब टॉप कॉइल ऑन करें फॉर अबाउट 30 to 45 seconds, जिससे आपका जो शुगर का टॉप लेयर है वो एक्स्ट्रा वार्म होके थोड़ा क्रिस्पी हो जाए एंड मफिंग्स के ऊपर एक नाइस ब्राउन कलर भी आ जाए। नाउ सी, दे आर ब्यूटिफुली बेक्ड।
with even top layer, no cracked top layer and nice brown color. अब 5 मिनट बाद जब ये ठंडे हो जाएं, तब आप इन्हें डीमोल्ड करें। और ये वो 3 मफिंग्स हैं जिनके ऊपर मैंने शुगर नहीं डाला था। They are also baked equally nice. Now you can see the softness. They taste best when they are freshly baked and slightly warm. Do try this recipe at home and add some extra dose of sweetness. Happy baking!